Okay, so what's up everybody, welcome back to my channel. Or this video is all about the tattoo filling, how to pack the color, how to solid packing of the color in some tribal kind of design, jaise ki band types ka design. Jab bhi hum band karte hain to do round wala jo band hota hai us types ke design ko kaise matlab kaise solid packing kiya jaye. Many of the times we get the complaint from the customer that कि हील होने के बाद बीच बीच में कहीं कहीं का गैप दिख रहा है, वो स्किन का एक लेयर जब उखड़ता है तो उसके बाद कहीं कहीं कलर फिल अप अच्छे से नहीं दिख रहा है. तो उसके लिए दिस वीडियो इज ऑल अबाउट दैट. इट्स नॉट गोना बी अ लॉन्ग वीडियो. तो इस वीडियो में मैं यूज कर रहा हूँ यूटोपिया के मशीन को 7.8 वोल्टेज पे. तो आप देख सकते हैं मैं इस टैटू में फाल्कन नीडल का यूज कर रहा हूँ, 27 सॉफ्ट कर्व मैग्नम विच इज ऑफ फाल्कन ब्रांड. यू कैन गेट दिस नीडल इजली एट टैटू गिज्मो. तो बेसिकली करना प्रॉब्लम सबसे ज्यादा कब होता है बिगिनर्स को, कि बीच के एरिया में तो वो आराम से पैकिंग कर लेते हैं, लेकिन जब टाइम मेनली आता है एजेस को भरने का, जो नीचे या ऊपर, तो दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द थिंग. तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि जब भी आप एज कर रहे हो, तो अगर जब भी आपका एज से बाहर आ जाएगा तो यू विल रूइन एवरीथिंग. जो भी मेहनत आपने किया ऊपर से टैटू पूरा खत्म. तो एजेस को करने के लिए जो बिगिनर टैटू आर्टिस्ट है वो मेनली आरएस या आरएल से ट्राई कर सकते हैं, बट प्लीज डू नॉट फिल दीज टाइप्स ऑफ बैंड बाय राउंड सेडर्स और राउंड लाइनर्स. तो आप देखो जब भी एजेस पे करते हैं ना, तो अगर जो मैग्नम का सॉफ्ट एज होता है, सॉफ्ट एज मैग्नम होता है, तो उसमें नीचे के एरिया में ऐसे कर्व होता है, मतलब जो ऊपर का एरिया होता है ऐसे फ्लैट नहीं होता, ऐसे कर्व होता है. तो जब भी आप नीचे से स्टार्ट करोगे तो लाइन्स जो होते हैं, लाइन्स के पास में आपको लेके जाना होगा, लाइन्स के पास आपको छोटे 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 राउंड बनाना होगा. तो अभी आप देख रहे होगे कि मैं कितना ज्यादा सॉलिड पैकिंग हो रहा है. आप खुद ही देखो हाउ नाइस. कोई भी देख के बोल सकता है, एनी ऑफ द न्यू और एनी ऑफ द बिगिनर आर्टिस्ट कैन टेल कि ये पैकिंग बहुत ज्यादा सॉलिड है. इट्स अ रियली गुड पैकिंग. और छोटे 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 राउंड्स बनाना है. अगर आप बड़े बड़े राउंड बनाओगे ना, बड़े बड़े राउंड, तो बड़े वाले राउंड के बीच का जो एरिया है वो छूटते जाएगा, और उसको आप छोटे छोटे राउंड बनाओगे तो हिंस दो लेयर में इसमें नीडल होता है तो वो छोड़ेगा नहीं. आपको छोटे 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 राउंड बनाते रहना है बस नीडल से. मैं यहाँ पे 7.8 वोल्टेज पे यूज कर रहा हूँ. आपका जो भी अपना पर्सनल होगा आप अपना पर्सनल यूज कर सकते हो, आपका अपना जो भी होगा हैंड के स्पीड के हिसाब से. अभी देखो मैं एजेस पे नीचे से स्टार्ट करने वाला हूँ, तो लाइंस के ऊपर मैग्नम के नीडल्स को धीरे से रख के हल्के हाथ से पहले आगे बढ़ाना है, फिर डिप करके अपना राउंडिंग धीरे धीरे स्टार्ट कर देना है. पहले मैं नीडल्स को लाइन के ऊपर रखूंगा, लाइन के ऊपर रख के धीरे धीरे अंदर इंसर्ट करके फिर अपना राउंडिंग स्टार्ट करूंगा. यही सेम चीज मैं ऊपर के एरिया में करूंगा. व्हेनेवर आई गो टुवर्ड्स द एजेस स्लाइटली आई विल एंगल माई मशीन. तो जैसे कि अभी मैं मैग्नम के एजेस को भर रहा हूँ, तो जैसे ही मैं ऊपर के साइड में जाऊंगा तो ऊपर के साइड में अगर मशीन मेरा स्ट्रेट है तो थोड़ा ऐसे टिल्ट कर दूंगा मशीन को. अगर आपको ऊपर के एरिया में थोड़ा ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है तो आप साइड से ही भर सकते हो, पर मैं तो ऐसे ही भरता हूँ, मतलब दिस थिंग्स वर्क्स फॉर मी. नाउ यू कैन सी हाउ सॉलिड पैकिंग आई एम डूइंग. Hand speed, everything is perfect, everything is balanced. मतलब ऐसा भी नहीं कि कहीं पे हाथ का स्पीड बहुत ज्यादा फास्ट है या कहीं पे बहुत ज्यादा स्लो है, सब कुछ सेम स्पीड से. मतलब जब मैंने स्टार्ट भी किया था तो भी मैं उतने ही स्पीड पे कर रहा हूँ, जब मैंने अभी भी उतने स्पीड पे, और वो ये पूरे टैटू में मेरा हाथ का स्पीड सेवन रहेगा. इसीलिए मेरे पूरे टैटू में मशीन का स्पीड भी 7.8 रहेगा. ब्रेक चाहिए वो बता दीजिए. बेसिकली व्हाट आई एम डूइंग इज मैं धीरे धीरे जो मैग्नम होता है ना, सॉफ्ट एज मैग्नम एकदम ऐसा होता है,
तो ये जो लाइंस है ना, तो मैं बेसिकली इसके इसके नीचे से साइड साइड से टच करके बस निकल रहा हूँ लाइंस को, ताकि मेरा लाइन से बाहर भी ना निकले और ऊपर का एरिया फील हो जाए. नाउ यू कैन सी हाउ नाइसली आई एम जस्ट टचिंग एंड गोइंग आउट. इस तरह से आप भी एकदम कॉम्पैक्ट फीलिंग कर सकते हो अपने टैटूज में, और डेफिनेटली दिस गोना बूस्ट योर स्किल. दिस वीडियो इज स्पेशली फॉर बिगिनर्स एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो. और इस वीडियो में आप देखोगे कि बड़े मैग्नम से हम कैसे मतलब कॉर्नर्स को भी भरते हैं. तो अभी ये जो बैंड है इसमें दो राउंडिंग है, पहले एक मोटा सा है 1 इंच के आसपास आया था, उससे हल्का कम, और इसके नीचे आधा इंच से थोड़ा सा कम वाला एक और राउंडिंग है, तो आर्म बैंड है. तो पेयर ऑफ एक मतलब बोल सकते हैं जो भी साइड में एक इस एरिया में एक स्वॉर्ड है, और क्लाइंट ने कहीं से लेके आया था डिज़ाइन शायद इंस्टाग्राम के रील से. तो कभी कभी इस टाइप के रील्स वाले को कॉपी करना मुश्किल हो जाता है, पर या वी आर आर्टिस्ट, वी नो हाउ टू डील विद इट. नाउ यू कैन सी एवरीथिंग. और यहाँ से मैं वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके आपको दिखाता हूँ. ओके, तो अब तक हम देख रहे थे कि बैंड के बीच में कैसे भरना है, मतलब लाइक ऊपर नीचे से बेस में कैसे स्टार्ट करना है, और कैसे ऊपर के एरिया में जो लाइंस है उसके नज़दीक नज़दीक में कैसे फील करना है, और नीचे जो एरिया है उसके लाइंस के नज़दीक नज़दीक में कैसे करना है. बट नाउ विल सी द कॉर्नर ऑफ द बैंड. लाइक अगर हम बैंड कर रहे हैं जिसके बीच में कुछ भी, जैसे कोई सपोज एक बैंड होता है जिसके बीच में त्रिशूल है और दोनों साइड से बैंड है, फिर उसके बाद वो स्टॉप है, तो स्टॉप ये वाला जो पोर्शन है उसको हम बड़े मैग्नम से कैसे करेंगे, और इवन इन द कॉर्नर मतलब छोटे एरिया, छोटे से छोटे एरिया कॉर्नर्स में भी मैग्नम से कैसे करेंगे. तो एज सुन एज वी गो टूवर्ड्स द कॉर्नर एरिया, we'll use the corner of the magnum. Suppose this is the magnum, so we are not going to use the whole face of the magnum. See, this thing is the whole face of the magnum. So when we use it like this, we are using the whole needles. Like if I am using 27 curve magnum in this area, तो अगर हम बेस में नीचे से लाइंस के पास से भी स्टार्ट कर रहे हैं तो हम पूरा नीडल यूज कर रहे हैं, यूज करते करते ऊपर तक पूरा नीडल यूज कर रहे हैं. बट when we are going to the corner, we are not going to use the 27 needle of the magnum, right? So what we will do is we will use just the corner of the magnum. Suppose this is our skin, okay, this is the magnum, so we don't have to use it like that, like this. We have to use it like this. See, all the needles are going above the skin. So we can fill the corners like that. See, first thing what I did in filling the corner is I started from this side, from like right to left. So we can cover the as much, मतलब जितना ज़्यादा से ज़्यादा area अगर हम cover कर सकते हैं उसको पहले मतलब straight में मतलब पूरे needle से उसको पहले cover करेंगे. अगर नीचे से नहीं हो पा रहा है तो ऊपर से नहीं हो रहा है तो साइड से, पर सबसे पहले वो एरिया को फिल करेंगे जिसमें मतलब अपना पूरा मैग्नम का फेस चले. तो सबसे पहले मैं साइड से फिल कर रहा हूँ इसमें, उसके बाद आप कॉर्नर को देखो मैं कॉर्नर को कैसे फिल करता हूँ. ऑलमोस्ट मैंने साइड से जितना पूरा फेस से होने लायक एरिया है उतना मैंने फिल कर लिया है, ठीक है. स्पीड इज सेम 7.8. Now you can see I have started using the corner of the magnum. पूरे needle का जो face होता है ना उसका एक side से उठा लिया मैंने, बस corner जो magnum होता है ना उसके बस corner से भर रहा हूँ, making small rounds. Just corner. बस corner से fill करूँगा slowly. ये area में आपको बहुत slowly जाना है, you don't have to rush, you don't have to go as fast as